फ्रेंड्स BHEL यानी कि पहल में काफ़ी टाइम से सब लोग फंसे हुए हैं, और वो फंसने का कारण अगर मैं बताऊँ तो पिछले 5 साल से लगातार कंपनी की रेवेन्यू कम होती जा रही है, जबकि पहले 45,000 करोड़ के आसपास की रेवेन्यू जनरेट करती थी, वो 25,000 करोड़ के आसपास आकर समेट गई। तो फ्रेंड्स इसी वजह से हम लोगों को यहाँ से निकलने का मौका नहीं मिल रहा। तो अब इसके क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें तो दिसंबर क्वार्टर में कंपनी ने इस बार लॉस पोस्ट किया है, और जबकि पिछले साल दिसंबर क्वार्टर में कंपनी प्रॉफिट में थी। तो ओवरऑल ये नतीजे ख़राब है, और अब इस नतीजे की बात करें तो 5,459 करोड़ के आसपास पिछले साल दिसंबर क्वार्टर में रेवेन्यू जनरेट की थी, वो इस साल 4,203 करोड़ रही है। और फ्रेंड कंपनी के एक्सपेंस ज़्यादा होने की वजह से इस बार जो पिछले साल 161 करोड़ का प्रॉफिट था वो इस साल 217 करोड़ के लॉस में बदल गया है। और यह किस सेगमेंट से कंपनी ने बुरा परफॉर्मेंस किया है वो मैं आपको बताना चाहूँगा। तो फ्रेंड्स पावर में जो पिछले साल 4,072 करोड़ के आसपास की रेवेन्यू थी वो इस साल घटकर 2,985 करोड़ रही है, और इंडस्ट्री में 1,386 करोड़ के आसपास की रेवेन्यू थी वो 1,217 करोड़ रही। तो दोनों ही जगह गिरावट देखने को मिल रही है। और प्रॉफिट पावर में जो पिछले साल 432 करोड़ के आसपास का था वो इस साल 114 करोड़ रहे, और इंडस्ट्री में कंपनी ने लॉस दर्ज किया है। तो फ्रेंड्स ओवरऑल ये नतीजे ख़राब ही है, मगर अभी हमारी गवर्नमेंट जो यहाँ डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए जो प्रयत्न कर रहे हैं तो हो सकता है आगे जाके इस कंपनी को भी उसका बेनिफिट मिले। और अभी जो भी लोग ऊपर के भाव पर फंसे हुए वो यहाँ से निकले तो भी उसमें इन्वेस्टरों का कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि शेयर ऑलरेडी बहुत ही करेक्ट हो चुका है। तो फ्रेंड्स ओवरऑल ये नतीजे ख़राब है, मगर अब अगले आने वाले दिनों में इस कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा रहता है वो देखना होगा।